हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विवेक कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय शहडोल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स, दैट इज लेंस मेकर्स फार्मूला। व्हाट इज लेंस? आप सभी लोग जानते होंगे कि लेंस क्या है ना। लेंस आप सबने देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे। लेंस दो तरह का, मेनली दो तरह का होता है। वैसे तो हम प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव भी करते हैं, लेकिन मेनली दो तरह का लेंस होता है। एक हम लोग करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पर ये थोड़ा सा पतला होता है। दूसरा होता है हमारा कॉन्केव लेंस, जो बीच में पतला होता है और किनारों पर उभरा हुआ होता है, इसे हम लेंस कहते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला, व्हाई दिस फार्मूला विच वी आर गोइंग टू ड्राइव इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फार्मूला। इस फार्मूला को लेंस मेकर्स फार्मूला ही क्यों कहते हैं? बिकॉज द लेंसेज विच आर गिवन टू अस आर गिवन इट्स फोकल लेंथ। इन पर हमको पता होता है कि इनका फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। जो हमको बना के देता है उस पर लिख के देता है इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर उन्होंने जाना कैसे, कैसे बनाया उन्होंने 20 सेंटीमीटर का इसको? उसका आंसर यही है कि इसी फार्मूला की सहायता से, जो फार्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, इसी फार्मूले की सहायता से इन्होंने इसको बनाया है। सो बहुत क्लियर आंसर है कि बिकॉज विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला द मैन्युफैक्चरर डिजाइन द लेंसेज आर एप्रोप्रिएट आर डिजायर्ड फोकल लेंथ, सो दैट द फार्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फार्मूला। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला, लेट अस नो व्हाट द टॉपिक्स, व्हाट द फंडामेंटल्स वी लर्न अर्लियर इन दिस चैप्टर इन द रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा हमारा रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस पढ़ा होगा, उसके बाद हमने लेंस की डिफिनेशन पढ़ी होगी, उसके बाद हमने पढ़ा होगा इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। जब आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं इसके ठीक पहले आपने कंप्लीट किया होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। तो वहां से हमने एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको याद होगा। अगर कोई इस तरीके से हम स्फेरिकल सर्फेस लेते हैं जो कि एयर में रखा है, सपोज कीजिए किसी मीडियम में, वो मीडियम हम लोग एयर मानते हैं। मान लेते हैं कि इस यह जो मीडियम रखा हुआ है इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, ये जो हमारा मीडियम एयर है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो जाहिर सी बात है जो मीडियम दिया गया है उसका एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा N इस पर कितना होगा, N2/N1 होगा, है ना, ये हमारा होगा। आगे देखते हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कोई यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था, आपने यहाँ से पहले नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ से इंसिडेंट रे ले गए, फिर जहां पर अब ये हिट किया जहां पर इंसिडेंट हुआ वहां पर आपने नॉर्मल ड्रा किया था और अल्फा बीटा और गामा मान करके वहां पर आपने एक फार्मूला ड्रा किया था। हम फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। फार्मूला हमारा था N2/B-N1/U = N2-N1/R, where जहां V क्या था, V is the distance of image from the center of the spherical surface, U is the distance of object where the object is kept, and R is the radius of curvature of the स्फेरिकल सरफेस। आर क्या था इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। N2/B, N2 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। सो N2/B-N1/U = N2-N1/R, इसी को आगे और लिखते थे। अगर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख पाते थे N/B-1/U = N-1/R। इस फार्मूले को हमने इतना डिस्कस क्यों किया, क्योंकि इसी फार्मूले का यूज करके हम अपना लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव करने जाते हैं विद
हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन डिराइव द लेंस मेकर्स फार्मूला। आइए आगे देखते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। आप दिमाग में रखिए, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होता है? लेंस का डिफिनेशन आप सभी लोगों को पता होगा। लेंस इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज मेड आर मेड बाय टू कर्व सर्फेसेस आर वन कर्व एंड वन प्लेन सर्फेस। लेंस इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज मेड ऑफ टू कर्व सर्फेसेस आर वन कर्व एंड वन प्लेन सर्फेसेस। आपका यह भी लेंस हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आपका ऐसे भी लेंस बन सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्केव लेंस। आपका लेंस इस तरीके से बन सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव कॉन्केव लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। ये हमारा होता है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, या इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से हमारा एक और लेंस होता है, ये कॉन्वेक्सो, ये हमारा है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। एक और लेंस हमारा होता है इस तरीके से, ये इसको हम लोग कहते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लेंस बन सकते हैं, जो लेंस में कम से कम दो सर्फेसेस होते हैं, या दोनों स्फेरिकल होंगे या एक स्फेरिकल होगा और एक प्लेन होगा, ठीक है ना। मेनली हम लोग यूज करते हैं ये बाई कॉन्वेक्स लेंस और सॉरी बाई कॉन्केव लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग इन्हीं दोनों लेंसों को यूज करते हैं, बाकी इन सबका यूज बहुत ही कम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जो हम बताना चाहते थे यहां से कि लेंस में दो स्फेरिकल सर्फेस होते हैं। अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा, ये फार्मूला था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेस, रिफ्रैक्शन थ्रू वन स्फेरिकल सर्फेस। ये जो फार्मूला है एक स्फेरिकल सर्फेस के लिए है, लेकिन लेंस में कितने सर्फेस होते हैं, दो होते हैं। तो जो ये फार्मूला है एक स्फेरिकल सर्फेस के लिए, वही फार्मूला अगर हम दोनों स्फेरिकल सर्फेस पर सर्फेस के लगा दें और फिर दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तब जो फार्मूला बनकर हमारा आएगा वो कौन सा फार्मूला आएगा, लेंस मेकर्स फार्मूला आएगा। वह फार्मूला आपके रेडिएशन कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन बताता है, ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे डिराइव करेंगे। देखिए हम मान लेते हैं हमारा हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से क्या है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। इसके दोनों जो सर्फेस हैं इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन और आर टू है। एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इस लेंस से यू डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान है इस लेंस को हम थिन लेंस मानते हैं, थिन लेंस का मतलब इसका थिकनेस हम अपने मेजरमेंट में इग्नोर करते हैं, ठीक है। हम ये मानते हैं जितना डिस्टेंस इसके बीच का जो डिस्टेंस है पूरे कैलकुलेशन में इस डिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला सर्फेस, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट रे जब पहले सर्फेस पर इंसिडेंट होती है, कोई रे लाइट रे जब फर्स्ट सर्फेस पर इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्रैक्ट होगी। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सर्फेस देन द रिफ्रैक्शन ड्यू टू फर्स्ट सर्फेस अकर्स विच प्रोवाइड्स एन इमेज एट अ पॉइंट आई डैश। अभी हम यह कंसीडर कर रहे हैं यहां पर कोई दूसरा कर्व सर्फेस नहीं है, हम यह मान रहे हैं इससे पहला सर्फेस है और पीछे पूरा जो आपका डिस्टेंस, पीछे जो आपका पूरा प्ले स्पेस है, ये पूरा इसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल का ग्लास है आपका, ठीक है ना। अभी हमने इस दूसरे सर्फेस को इग्नोर किया हुआ है, तो जब हम दूसरे सर्फेस को इग्नोर किए हुए हैं तो हम मानते हैं जो ऑब्जेक्ट था यहां से जो इंसिडेंट हुई है उसका रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहां पर आई डैश से बना हुआ है। तो इस केस में हम रिफ्लेक्शन थ्रो इस तरीके सर्फेस के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन टू है, या अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एन वन है, एन टू अपॉन वी जो डिस्टेंस यहां से हम ले रहे हैं मेजर कर रहे हैं वो वी डैश मानते हैं। आई डैश हमने पोजीशन माना है इमेज का और वी डैश माना है डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि यह फाइनल इमेज नहीं है और ये फाइनल पोजिशन ऑफ इमेज नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो रिफ्रैक्शन हम ले रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट सर्फेस से ले रहे हैं,
इसलिए हम इसको डैश के रूप में मानते हैं, फाइनल इमेज नहीं है। एन टू अपॉन वी डैश माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन, पहले सरफेस का जो रेडिएशन टेम्परेचर वो आर वन है। ये आपका क्या है, यह है रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। क्लियर, एन टू अपॉन वी डैश माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, या जो इमेज बना है पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के द्वारा, यह दूसरे सरफेस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम जब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए निकालेंगे तो यह जो डिस्टेंस हमारा है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे नाउ द इमेज formed by refraction through first surface acts as object for second surface। क्लियर, जो इमेज बना है पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद वह दूसरे सरफेस के लिए किसी तरह बिहेव करेगा, इमेज की तरह सॉरी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो हम देखते हैं सो फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए देखते हैं हम क्या फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और, वन मोर थिंग हियर, इन दिस केस व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, द रे विच इज इंसिडेंट फ्रॉम दिस इमेज इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये हमने अभी यह माना था पहले कंसिडरेशन में, ये पूरा पीछे जो ईयर नहीं है बल्कि अगर पूछे पीछे बैक साइड में पूरा यही मटेरियल रहा होता आपका तब इमेज यहां पर बनता। यहां ईयर अभी हमने कंसिडर नहीं किया, जब यह इमेज यहां पर बना हुआ है उस केस में यहां पर ईयर का कंसिडरेशन नहीं है। यहां हमने यह माना था कि पूरा पीछे वही मटेरियल होगा, जबकि ऐसा है नहीं, सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है। तो जब हम इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कराएंगे बिहेव कराएंगे तो हम यह मानेंगे अब जो हमारा रे है इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से कहां जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है, मतलब ग्लास से एयर में जा रहा है। तब जब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, फॉर्मूला बनता वाला एन टू अपॉन वी यहाँ हो जाएगा एन वन अपॉन वी, वी मतलब जहां पर इसके द्वारा रिफ्रैक्शन के कारण फाइनल इमेज आपका बना होगा, यह डिस्टेंस क्या होगा हमारा वी होगा, फाइनल इमेज का पोजिशन यानी कि आई आई लिखेंगे यहां पे एल वन अपॉन वी माइनस एन टू अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या माना है हमने वी डैश माना है इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन आर टू, इक्वेशन नंबर टू। ध्यान रहे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की पोजीशन को चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि अब हम यह मान रहे हैं कि जो हमारा रे है इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है, इक्वेशन वन। इक्वेशन नंबर टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एन टू भरिए लिखते हैं एन टू अपॉन वी डैश माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, नहीं पूरा एक तरफ जो ऐड कर रहे हैं एक तरफ का लिखते हैं एक साथ, एन टू अपॉन वी डैश माइनस एन वन अपॉन यू प्लस ये वाला लाइन लिखे एन वन अपॉन वी माइनस एन टू अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, इसको पूरा लिखना है एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन प्लस
प्लस देखिए आपको लिखना है n1 माइनस n2 अपॉन r2। हम चाहे तो इसी टर्म का इसको ही बना सकते हैं, ये n2 माइनस n1 है, इसको भी हम n2 माइनस n1 के टर्म का बना सकते हैं। कैसे? सिंपली माइनस माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन करने से ये भी क्या बन जाएगा हमारा n2 माइनस n1 अपॉन r2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं n2 अपॉन v डैश एंड n2 अपॉन v डैश कैंसिल ईच अदर, सो वी ओनली गेट n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u is equal to here n2 minus n1 can be common 1 upon r1 minus 1 upon r2, dividing whole equation by n1, dividing whole equation by n1, पूरे equation में n1 से divide कर देते हैं, क्या बचेगा हमारा, हमारा बचेगा 1 upon v minus 1 upon u is equal to n2 अपान एन वन माइनस वन, यहां पे डिवाइड करेंगे एन वन अपान एन वन वन बचेगा, वन अपान आर आर वन माइनस वन अपान आर टू। हियर एन टू अपान एन वन कैन बी रिटन एज वन अपान बी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू एन, एन टू अपान एन वन कैन बी रिटन एज द रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज द रिलेटिव रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एन माइनस वन। आप चाहें तो कुछ लोग इसको एन टू वन भी लिखते हैं, कुछ लोग यहां से वन टू इस तरीके से भी लिखते हैं, सिंपली आप एन भी एन से भी डिनोट इसको कर सकते हैं, बट यू हैव टू वेल एवरी टाइम डिनोट द नोटेशन एन माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर। ओके, नाउ after this we have to use the definition of the focus for lenses or mirrors. Are you know the definition of focus? Are you aware with the definition, with the what is focus? So if the incident rays are comes from infinity, if our object is placed at infinity, then the rays comes parallel to principal axis and they converge at principal axis at a point on principal axis, that point is called as focus. Yani ki jab hamari incident rays par infinite se aati hai to principal axis par kahan coincide karti hai, kahan par converge karti hai, jis jagah par converge karti hai usko kya kehte hain hum log, focus karte hain. Iska matlab yeh hua ki jab hamara object u infinite rakha hai तो हमारा इमेज भी जो बनता है वो कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है, लेंस के फोकस बनता है। ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके होंगे, व्हेन द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, देन द इमेज फॉर्म एट फोकस, इफ यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन वी इज इक्वल टू एफ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड वी इन एवर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, we can write 1 upon f at the place of v minus 1 upon u infinite at the place of u is equal to n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2, or 1 upon f is equal to n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2. This is the final relation which we get, relation between focal length and radius of curvature of the focal length, refractive index and radius of curvature of the lens. This formula is called as lens maker's formula. Lens the manufacturers only design the focal lenses for its radius of curvature, then he get the focal length of desired focal length. He get the lens of desired focal length. Okay, this is called as lens maker's formula. If you want to note it, then you can pause the video and so students, with the help of this lens maker's formula, we also can get a very important formula which we frequently use in our major problems, that is the lens formula for thin lenses. Formula for thin lenses, which you must aware from that formula, that is 1 upon f is equal to 1 upon v
minus 1 upon u. How can we get that formula? Suppose this is equation number 4. Okay, this is equation number 4. Equating equation 3 and 4, from equation 3 and 4, the right hand side of both equations are equal. Therefore, left hand side of both equations will also be equal. So that we can write 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is the formula for three lenses. This is the formula for three lenses which you frequently use in solving your numerical problems. 1 upon f, where f is the focal length of the lens, v is the image distance, and u is the object distance. Okay, this is the lens formula. Now, from lens maker's formula, we also can get some important points, some important notes, that the focal length of the lens depends upon the refractive index and radius of curvature. How it depends upon refractive index? Let's see. 1 upon f proportional to n minus 1. We can say if the radius of curvature of the lens becomes constant, then 1 upon f becomes proportional to n refractive index n minus 1. From here, you can say larger is the refractive index, smaller is the focal length. Smaller is the refractive index, larger is the focal length. यानी कि जो ग्लास लिया है, जो मटेरियल लिया है हमने लेंस बनाने के लिए, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहां से एक बात और क्लियर होती है कि अगर आप जानते हैं कि किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के साथ चेंज होता रहता है, जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. सपोज ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मीडियम में ज्यादा होता है, लेकिन अगर यही ग्लास आपका लिक्विड वाटर में रख दिया जाए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है. यानी कि अगर ग्लास को हम वाटर में डिप कर दें, अगर इस लेंस को वाटर में डिप कर दिया जाए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सपोज योर लेंस इज डिप इन अ लिक्विड ऑफ द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि एक ऐसे लिक्विड में हम लेंस को डिप करते हैं जिनमें दोनों का फोकल लेंथ कितना हो, दोनों का फोकल लेंथ क्या हो आपका, सॉरी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो, तो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना पड़ेगा हमको तो हम कह सकते हैं एन अपॉन एन. अगर दोनों का सेम होगा तो एन अपॉन एन हो जाएगा माइनस वन, यहां से एन कैंसिल करके वन माइनस वन हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ प्रोपोर्शनल टू जीरो. यानी कि एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट यहां से आ जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर लेंस को हम ऐसे लिक्विड में डिप करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल हो, तब वह लेंस एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा. यानी कि वो लेंस उस समय लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब वो एकदम एक सीधा स्ट्रेट ग्लास की तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम लोगों को मिलती है. यहाँ से हम और भी किस लिक्विड में डिप कर रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज करके उस किसी भी लिक्विड में रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकती है. एक और चीज यहाँ से क्लियर हो सकती है, आप देख सकते हैं. एक और चीज हम लोग जानते हैं कि ग्लास का या किसी भी मीडियम का अलग अलग कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर रेड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस एंड फॉर वायलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम. यानी कि अगर हम किसी लेंस पर कोई रेड कलर का बीम, रेड कलर की लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो फोकल लेंथ क्या होता है, क्या होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगा. रेड कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगा. अगर वायलेट कलर की बात करें तो वायलेट कलर का फोकल लेंथ, यहाँ एनआर की बात करें एनआर कम होता है, एनआर अगर कम होता है एनआर इज लेस देन एन वी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, सो दैट एफ आर मस्ट बी ग्रेटर देन एफ बी. इसका मतलब रेड कलर के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ से ज्यादा होगा. सेम आपका लेंस है, सेम लेंस की बात की जाए, अगर उसको दो अलग अलग कलर के हम लाइट से इंसिडेंट करा रहे हैं तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगा और वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ कम होगा. ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हम जो इससे नोट कर सकते हैं आपके एलएस पेपर्स फार्मूला से वही चीज रही। ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इस पे हम देखते हैं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस ऑन अ न्यूमेरिकल एग्जांपल फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला। क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 344 9.7। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, डबल कॉन्वेक्स लेंसेस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। एक मैन्युफैक्चरर है जो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के लेंसेज को बनाना चाहता है, और ऐसा लेंस है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों जो हमने यहाँ से R1 और R2 लिखा था वो दोनों सेम हो। ठीक है, एक ऐसा लेंस को बनाना चाहता है, हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हमारा जो फोकल लेंथ बने, जो फोकल लेंथ आए उस लेंस का, वो 20 सेंटीमीटर तक आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमको दिया गया है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, और फाइनली हम ये सोचते हैं, ये दिमाग लगाते हैं कि हम किस तरीके से किस फॉर्मूले का उपयोग करके उस अपने डिजायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। यहां देखेंगे गिवन, क्या गिवन है, गिवन है फोकल लेंथ, कितना फोकल लेंथ हमको पाना है 20 सेंटीमीटर पहली चीज। दूसरी चीज क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के नहीं, दूसरी चीज क्या देखनी है, क्या दिया आपको, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, उस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया कितना 1.55 दिया है। इसके बाद हमसे कहा गया है दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, R1 = R2 है, इसको हम मान लेते हैं यह हमारा आर है, और यही हमको फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें फोकल लेंथ भी आता हो, एन भी आता हो, और आर1 आर2 भी आते हो। सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला जो भी हम पढ़े हैं वही आता है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यूजिंग फॉर्मूला 1/F = (n-1)(1/R1)-(1/R2). इस फॉर्मूले में हम बाकी चीजों को पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलेगा। 1/F के लिए कितना रख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, (n) n के लिए कितना 1.55 - 1, 1/R1 के लिए कितना, ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r है ना, -1/R2 की जगह पे कितना, आप कहेंगे r। लेकिन यहां पर एक चीज जानने वाली है वो ये कि जब R1 की बात कर रहे थे तो R1 जो हमारा है, अगर हम सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ मानते हैं तो जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं उस तरफ के साइड डिस्टेंसेस नेगेटिव, और जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जहां से लाइट रे इंसिडेंट होती है उस तरफ के सारे मिरर्स नेगेटिव लिए जाते हैं और उसके अपोजिट साइड के सारे मिरर्स लिए जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं जब पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो जो पहला हमारा रेडियस होगा वो इस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, जाहिर सी बात इसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर की, दूसरे सरफेस की बात करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यानी जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, जहां पर इंसिडेंट होती है उस तरफ आएगा, तो इसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, -R रख देंगे। तो यहाँ क्या बचा हमारा, 1/20 = 1.55 - 1 = क्या हो जाएगा 0.55, 1/R - - + हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/R + 1/R = क्या हो जाएगा 2/R। यही R को फाइंड आउट करना है, R को इस तरफ लेके आते हैं, 20 को उस तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा हमारा R = 0.55 / 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.10 × 20, मल्टीप्लाई करेंगे R = आ जाएगा हमारा 22.0 सेंटीमीटर। दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर, समझ में आपको उम्मीद आ गया होगा।
इसका रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, आई इक्वल 20 सेंटीमीटर है। आप इस पर बेस्ड और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके थैंक यू, अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।